हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए, और जो कि है बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022। इस बार यूपी टीजीटी इंग्लिश की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन सब के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह सेकंड या थर्ड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और वो ये चाहते हैं कि अब से स्टार्ट करके वो कैसे कवर कर सकते हैं इन तीन पोर्शन को, क्योंकि हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो इन तीन पोर्शन पर ही डिपेंडेंट है। उसके हम तीन पार्ट बना लेंगे, लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकैब। आज मैं इन तीनों पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दिया और आप सब लाइक कर रहे हैं, आप सब क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसके जो पार्ट्स हैं वो हैं तीन पार्ट बनाएंगे आप, लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकैब। मोस्टली हम वोकैब को ग्रामर में ही ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी एक गलती रहती है कि हम वोकैब को ग्रामर में ही ऐड कर लेते हैं और उसे बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो ये कराती है, और अगर नहीं होता है तो वो यही रोकती भी है, क्योंकि वोकैब इतनी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में, और मोस्टली यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में तो वोकैब का रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो पार्टीशन अगर हम करें तो टीजीटी के एग्ज़ाम में लिटरेचर एंड ग्रामर 50-50 आता है, 50-50% लिटरेचर और ग्रामर आता है, और इस ग्रामर में भी आधा वोकैब ले जाता है। तो फ्रेंड्स, 125 क्वेश्चंस रहते हैं आपके टोटल, और 125 क्वेश्चंस में से 60-65 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर बेस होते हैं, और वही 50-60 आपके ग्रामर बेस होते हैं। तो सबसे पहले लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर में हमारे हैं फोर राइटर्स, ठीक है। फोर राइटर्स में हम इन फोर राइटर्स को किस तरीके से बांट सकते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर राइटर्स में सबसे पहला है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड कार्ल्सवर्दी। ये चार राइटर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन चार राइटर्स में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज किसके क्वेश्चंस का रहता है फ्रेंड्स? शेक्सपियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लिटरेचर का इन 60-65 क्वेश्चंस का 50% पार्ट शेक्सपियर रहता है। तो हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? शेक्सपियर पर। शेक्सपियर को हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मेजर प्लेस एंड माइनर प्लेस। तो शेक्सपियर के जो मेजर प्लेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनकी जो फोर ट्रेजडी हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका हमें सारी कोटेशंस, सभी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, क्या क्या इंसिडेंट्स उसमें हुए हैं, उनके सभी कैरेक्टर, इवन माइनर कैरेक्टर्स भी हमें लर्न करने हैं, और बाकी जो माइनर उनके वर्क्स बचते हैं उनके हमें कैरेक्टर्स लर्न करने होते हैं, पब्लिशिंग ईयर लर्न करने होते हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी थीम क्या थी। तो थीम हमें पता होनी चाहिए, उनका पब्लिशिंग ईयर और उनके कैरेक्टर्स। तो हम शेक्सपियर को इस तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट। शेक्सपियर ही नहीं, हम किसी भी राइटर को इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड गार्ल्सवर्दी। वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स हैं जिनकी थीम एक जैसी ही है, जो कि नेचर पर बेस है। थीम एक जैसी हो सकती है लेकिन उनकी राइमिंग स्कीम अलग होगी, उनका कुछ पोएटिक डिवाइस उनमें अलग यूज़ की गई होगी, उनमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई होंगी। उनकी लाइन्स देकर हमें फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं, तो हमें उसको थोरोली पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो शेक्सपियर से स्टार्टिंग कर लें, और शेक्सपियर का सबसे पहले आप लाइफ साइकिल पढ़ लें। लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद आप इनके मेजर वर्क्स तैयार करें, मेजर वर्क्स तैयार करने के बाद आप इनके माइनर वर्क्स तैयार करें, और सबसे लास्ट में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूज़ करें,
ठीक है। तो शेक्सपियर कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा कि आपका जो लिटरेचर है वो आधा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप वर्ड्सवर्थ प्रिपेयर कीजिए, मिल्टन प्रिपेयर कीजिए, गार्ल्सवर्दी प्रिपेयर कीजिए, या फिर इन तीनों में से जो भी आपको समझ में आए या इंपॉर्टेंट लगे आप उसको पहले कर सकते हैं। बाकी तीनों इक्वल हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेक्सपियर है। तो फ्रेंड्स ये लिटरेचर की बात रही, लिटरेचर में एक चीज़ और आता है जो कि लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। तो आप शेक्सपियर पढ़ें, वर्ड्सवर्थ पढ़ें, मिल्टन पढ़ें या गार्ल्सवर्दी, सबके साथ साथ आपको लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स को साथ साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप 2 से 4 लिटरेरी टर्म डेली पढ़िए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनके इन्वेंटर कौन है, किन्होंने उनको दिया था और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई आपको लिटरेचर के लिए कि आप लिटरेचर कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर, आप कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रिपेयर करें। ग्रामर का पोर्शन सबसे पहले स्टार्ट होता है, नॉर्मली जो जनरल ग्रामर होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होती है। तो आप जो ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, डिटेल में सिलेबस अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी केवल स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबसे पहले अपने क्लियर कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि आपकी ग्रामर लगभग कंप्लीट हो गई है। ग्रामर को छोड़ना हमारा बहुत ही कमज़ोर पॉइंट हो सकता है, वीक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों को लगता है कि ग्रामर हमसे आती है, हम सब कर लेंगे। लिटरेचर पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन उतना ही ध्यान हमें ग्रामर और वोकैब पर देने की ज़रूरत है ना फ्रेंड्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर लीजिए और साथ ही साथ वोकैब भी अपनी स्टार्ट कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन करिए। अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं देन, अदरवाइज अगर टेंसेस क्लियर नहीं है तो आप टेंसेस क्लियर करिए पहले, उसके बाद आप नरेशन कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ग्रामर की है जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इन सब से हटकर अगर आप इन सबको क्लियर कर लेंगे ज़्यादा कुछ ग्रामर में नहीं आता है ना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट आता है वोकैब। वोकैब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और वोकैब में क्या क्या आता है ये तो सबको पता ही है। वोकैब में आता है एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमें तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। आप लिटरेचर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सपोज आपने स्टार्ट किया लिटरेचर में, आप शेक्सपियर से स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही ग्रामर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं, और वोकैब में आप सिनोनिम्स से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक एक करके सिलेबस आप सबके पास होगा, पॉइंट वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं और धीरे 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 आपको लगेगा कि आपका जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट होते जा रहा है। शुरुआत में आपको बोरिंग लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये बहुत लेंथी है, समझ नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आपका सिलेबस थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो आपको पॉजिटिव फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब तो हम कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रैक्टिस। सब चीज़ आप कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम से पहले। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं या इससे हेल्प लेकर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।